चढ़ते चढ़ते हालत खराब होगी। हजारों साल पहले यहाँ गए राजा कजाकिस्तान से आने से पहले। म्यूजियम कैसा दिखता है तो अभी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जस्ट मैं अभी जिस रिजॉर्ट में रुका हूँ तो मैं वहाँ का आपको टूर देता हूँ और हमें आज कहाँ कहाँ जाना है वो मैं आपको दिखाऊँगा और मैं जो हमारे ड्राइवर हैं उनसे मिलाऊँगा, वो हमें आज क्या क्या कवर कराते हैं। तो सामने हमारी गाड़ी खड़ी है इनोवा, तो मैं आपको टूर देता हूँ रिजॉर्ट का। जस्ट ये रिजॉर्ट है हमारा, ये रिसेप्शन हो गया, ये यहाँ का जो ऐसा एरिया है। हमने दो रूम लिए हैं तो मैं रूम टूर देता हूँ, पर अभी फिलहाल रूम गंदे पड़े हैं। एक ये रूम है, तो रूम की हालत ये हो रही है अभी। और क्या हाल है भैया? गुड मॉर्निंग। और एक ये रूम है हमारा, ये भी ऐसी बिखरा हुआ है, तो अभी भाई लोग रेडी हो रहे हैं फटाफट। अरे कोई नहीं भाई, इतना चलता है। तो ये दो रूम है हमारे और बाहर का एरिया ऐसा है कि इधर क्या स्पेस है, बाकी ये स्पेस है और एक रूम ये है। और बाहर का व्यू देखो आप, अलग ही भाई भाई ये आपको। और ऊपर लेके चलते हैं, ऊपर मैं गया नहीं हूँ कल, आज देखते हैं क्या है ऊपर। ऊपर आके जो व्यू दिख रहा है ना, नेक्स्ट लेवल व्यू है। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, आप भी यकीन नहीं करोगे यहाँ पे कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये हमारे रिजॉर्ट के आगे का व्यू है सामने। अभी धूप निकली हुई है, मस्त मौसम हो रहा है, इतनी ठंड नहीं है यहाँ पे, पर आगे अभी हम जाएंगे तो ठंड बढ़ती जाएगी। अभी मैंने बस टी शर्ट डाल रखी है, अभी जैकेट डालूंगा। तो मैं आपको मिलाता हूँ ड्राइवर से, वो हमें कहाँ पे लेके जाएंगे आज। तो ड्राइवर वाले भैया के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं आज हमें क्या क्या कवर कराएंगे। ये हमारी इनोवा है जो हमने यहाँ पे रेंट पे ली है। तो भैया आज हमें क्या क्या कवर कराओगे आप? आज हम जाएंगे दोस्त टुटू विलेज और थंग विलेज। थंग जो विलेज है वो अपना लास्ट विलेज है, वहाँ से जो पाकिस्तान का जो लास्ट गांव है वो नज़र आता है। हाँ। दिन से वो दिखाते हैं, तो वहाँ पे एक नंबर गोबाना अली नाम के एक नाम शख्स भी है, उनसे भी मिलेंगे। तो ये सब कवर करके वापस शाम को इतनी मिलना स्टे के लिए वापस आ जाएंगे। तो रिटर्न फिर हम स्टे के लिए इसी रिजॉर्ट में आएंगे, जो बाहर से रिजॉर्ट ऐसा दिखता है यहाँ पे, आप देख सकते हो नेक्स्ट लेवल व्यू है। और मैं यहाँ की प्राइस की बात करूँ, सीजन ऑफ आए हैं तो आपको 700-800 रुपये में यहाँ पे रूम मिल जाएंगे। अगर आप सीजन में आते हो तो सीजन, भैया यहाँ सीजन का क्या रेट रहता है रूम का? रूम तो वही 2500-3500 का रेट ये सीजन पे। सीजन पे, ऑफ सीजन में इतने इन्होंने हमें रूम दिलाया है। थैंक यू भैया। तो हम लेह लद्दाख की घूमने की बात करते हैं। जो सीज़न होता है लेह लद्दाख का, सीज़न होता है घूमने का जून से लेके जुलाई तक, अगस्त तक आप आ सकते हो जी, कोई सुनी रहेगा आपको। हम आए हैं अभी सीज़न ऑफ, तो सीज़न ऑफ में क्या है, आपको होटल सस्ते मिल जाएंगे, आप अच्छे से ट्रैवल कर पाओगे, आप एक्सप्लोर कर पाओगे हर चीज़। अगर आप सीज़न में आते हो तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, होटल्स के रेट भी काफ़ी हाई होते हैं। तो मैं आपको यही रेफ़र करूँगा कि आप सीज़न ऑफ आओ, अच्छा एक्सप्लोर कर पाओगे आप, अच्छी चीज़ें देख पाओगे। मैं खाने की बात करता हूँ तो हम खाना अपना खुद लेके आए थे, हल्दीराम के जो पैकेट वाले खाने आते हैं आप वो लेके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ का खाना इतना ठीक नहीं है, नहीं खा पाओगे आप। बाकी आप देख लो कि कैसे करोगे। अभी हम करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद निकलेंगे नई लोकेशन नई जगह। आज क्या क्या कवर करते हैं और आपको दिखाते हैं, बने रहे ब्लॉग में, एंड तक देखें, ब्लॉग को मिस ना करें और स्किप जरूर ना करें। आप भी कहोगे हैरी आपने क्या चीज़ दी है, तो एंड तक देखें ब्लॉग। Thank you.
वैलेज है यहाँ पे, कुछ वैलेज है कुछ महंगे पीएंगे और उसके बाद आगे की साइड जाएंगे और मैं आपको व्यू भी दिखाता हूँ, नेक्स्ट लेवल व्यू है। तो आप व्यू देखो, इतना साफ पानी है, मतलब अलग वाइब है। और अभी हम जाएंगे वहाँ पे तुरतुक विलेज, तो चलते हैं ऊपर। तुरतुक किचन कैफे आज रेस्टोरेंट है, फिलहाल अभी ये बंद है, तो आगे चलते हैं। गुड पेकर उड़ गया, मैं बचपन में पढ़ा था गुड पेकर के बारे में, देखा और हाँ जी। तो ऊपर की साइड चलते हैं, पता नहीं कुछ नई चीज है, देखते हैं चल के। हेलो भैया, क्या है ऊपर, क्या है ऊपर, क्या ऊपर हम जा रहे हैं अभी वुडन कैफे में। ओके, म्यूजियम है ना, तो ऊपर हम जा रहे हैं, ऊपर है म्यूजियम, आपको चल के दिखाते हैं म्यूजियम कि कैसा है यहाँ का। बंद गोभी दिखाओ, बंद गोभी देखो यहाँ की अलग लेवल की है, बड़ी बड़ी बंद गोभी का सही है यार ये भी। साथ चढ़ी म्यूजियम चल के आपको दिखाते हैं ऊपर। फ्री में जाएंगे हम ऊपर की साइड, चढ़ते चढ़ते हालत खराब होगी, अभी तक सांस नहीं चढ़े पर यहाँ पे आके सांस चढ़ने लगे क्योंकि ऑक्सीजन की भी कमी है यहाँ पे। तुरतुक हेरिटेज हाउस एज म्यूजियम। तो ये म्यूजियम है, क्या कह रहे हो, पुराने सामान अंदर हम नहीं जा रहे, मतलब कि अंदर अलाउ नहीं कर रहे जाना, भूल भुलैया नहीं होता है, गली होती है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर जाना है, पर वैसे ही है यहाँ पे भी चाहिए। तो हम अंदर अंदर जा रहे हैं, जा रहे हैं, वैलेज है पूरा, ये तुरतुक वैलेज है, मतलब अच्छी जगह है, आप आ सकते हैं, आप विजिट कर सकते हो। अंदर चलते हैं देखते हैं। और ये क्या है, तो हम फाइनली म्यूजियम के अंदर आ गए, अंदर एंट्री करेंगे और आपको अंदर से दिखाएंगे कि म्यूजियम कैसा दिखता है। तो अभी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं म्यूजियम। अभी देखो तो काफ़ी, मतलब बहुत लकड़ के बने हुए हैं, काफ़ी पुराने टाइम के हैं ये, मतलब कितने सालों पुराना है ये म्यूजियम। ऊपर चलते हैं, हसन भाई ये कितना पुराना है यहाँ पे। अच्छा, तो अंदर चलते हैं, पूछते हैं इन सबसे कि कितना पुराना है ये। सब कुछ लकड़ का दिखेगा आपको, मतलब कितने साल पुराना है, मतलब सब लकड़ का है ये पुट यूज अ शूज। तो यहाँ पे हम शूज रिमूव करते हैं और अंदर जाते हैं फिर। तो यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं, इनसे पूछेंगे। तो आप इसको पढ़ सकते हो यहाँ पे, फर्स्ट से लेकर 12 नंबर तक का राजा सेंट्रल एशिया पर थे, तजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान पर राज करते थे। मेरे 12 नंबर वाला राजा सुल्तान बेग मंथल बहुत ताकतवर था, सिरंग था। इसी राजा ने एक हिंदी रीडिंग बल्तिस्तान पर अटैक किया,
हमला किया तजाकिस्तान से, तजाकिस्तान से बल्तिस्तान तक पहुंच गया। इससे पहले बल्तिस्तान पर तिब्बत का राजा हलंगदार महाराज करते थे, इसको हराया और यहां तक आया। तो आज से हजारों साल पहले यहां गए राजा तजाकिस्तान से आने से पहले गिलगित बल्तिस्तान तिब्बत के राजे का अंदर आता था, तिब्बत। हाँ, उस जमाने में तिब्बत के लोग यहाँ के रहने वाले लोगों को बल्ती कहते थे। बल्ती, इस जगह को बल्ती यूल यानी बल्ती बहने वाला जगह, जैसा कि बल्ती का मतलब मैं बता दूं ना, बल्ती का मतलब, बल का मतलब है नीचे, तिब्बती जबान में ती पानी को है, पानी नीचे जाने वाला एरिया, जिस तरह तिब्बत ऊपर है, ठीक है, दुनिया का छत जाते, जितने भी तिब्बत से जो पानी निकलता है यह बल्तिस्तान की तरफ जाता है। तो वह अपने वक्त में कहता है कि ये बल्ती यूल यानी पानी नीचे जाने वाले एरिया करके बल्ती यूल कहते थे इस जगह को, और यहाँ के लोगों को बल्ती कहते थे। आप यहाँ पर तुरंत में आया होगा तो हमने कहा हर जगह पर बल्टी किचन बल्टी बल्टी देखा होगा, बल्टी यहाँ के लोगों को बल्टी कहते थे। तो ये राजा आया तजाकिस्तान से, तो इसने इस बल्ती यूल को फारसी में तर्जुमा करके बल्तिस्तान नाम रखा, यानी बल्तिस्तान बल्टी बहने वाला जगह, ये भी फारसी लफ्ज में है, जैसा कि हिंदुस्तान हिंदू रहने वाली जगह, और जो है अफगानिस्तान अफगान रहने वाली जगह, इसलिए ना बल्तिस्तान या बल्ती बहने वाली जगह, यह बना के फारसी में बना है, तब से बल्तिस्तान कहते हैं। ठीक है, रजतों से लेकर 26 तक ये लोग फारसी थे। शाह आजम खान जो राजा मुकीम खान का बेटा है, इस राजा ने इस्लाम का मजहब अख्तियार किया, पूरा टोटल इस्लाम किया। रजतों से लेकर 1553 पे इस राजा ने इस पैलेस को बनाया 15th century में, समर के 3 महीने के लिए। राजा अली मर्दान खान यहाँ पे बीच में, यब को अली मर्दान खान आइए।